underground tomb built over 2,000 years ago. We found the miracle, a fountain of youth. आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले यदि आप कुछ मजेदार और अलग वीलॉगिंग एंटरटेनिंग वीडियोस में दिलचस्पी रखते हो तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल निकिल्स आरवी 400 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है और मैं बहुत ही जल्द पहला वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। वहीं उन सभी को दिल से धन्यवाद जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत जिया के बचपन की यादों से होती है, जब उसने कभी अपने माता पिता और छोटे भाई लूक के साथ यादगार पल बिताए थे। पर अपने माता पिता को खोने के बाद उसका भाई भी अपने काम के पीछे उससे दूर हो गया, जो बायोटेक कंपनी के ओनर मेसन, जो कभी उसके पिता के बिजनेस पार्टनर भी हुआ करते थे, के लिए एस आर्कियोलॉजिस्ट काम करता है। उनके माता पिता एक प्लेन क्रैश दुर्घटना में मारे गए, जिनका प्लेन रहस्यमय कारण से कभी बरामद ही नहीं हुआ। पर जिया इसके लिए मेसन को जिम्मेदार मानती है क्योंकि उसने उनके शव को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए तब से वो अपने माता पिता को खोने के सदमे से आज भी उभरी नहीं है। वहीं मेसन अपने अलग परेशानी से गुजर रहा होता है क्योंकि उसकी कंपनी बिना इन्वेस्टमेंट के डूबने वाली होती है, और अब जिया का भाई लू की उसका एकमात्र सहारा है क्योंकि उसने उसे किसी रहस्यमय और मिथोलॉजिकल खोज में भेजा है, जिसके खोज से उसकी कंपनी बाकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को पीछे छोड़ देगी। इसलिए लूक अपने दोस्त इथन के साथ उसी के खोज में चाइना निकला होता है, पर दोनों के लोकेशन पर पहुंचने पर वो बस एक सुनसान रेगिस्तान निकलता है जहां दूर दूर तक कीड़े मकोड़े तक नजर नहीं आते। सबसे खतरनाक बात कि उन्हें सुन समझ आता है कि तपती सूरज की किरणें और करीब के खान के कारण विस्फोटक गैस जमीन से निकल रहा होता है, इसलिए ऐन मौके पर वो ईथन को लाइटर जलाने से मना कर देता है। कुछ खास ना मिलने पर वो हार मानकर निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक में ही लूप किसी खाई में गिर जाता है। लकीली उसे कोई चोट नहीं आती, वहीं खाई में गिरना उसके लिए वरदान से कम नहीं होता क्योंकि वो अपने जिंदगी का सबसे बड़ा खोज वो उसी खोज की खोज कर लेता है जिसके लिए मेसन ने उसे भेजा था। पर आखिर वो खोज क्या है हमें आगे समझेगा, पर इससे पहले कि वो अपनी खोज पूरी करें, कुछ तो भयानक उन्हें अपने चपेट में ले लेता है जिसके कारण उनका मेसन से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। उसकी आखिरी वीडियो फुटेज को देखकर लगता है कि शायद लूक किसी कई आंखों वाले क्रीचर का शिकार बन गया। मेसन में अब हिम्मत नहीं होती जिया को ये बुरी खबर देने के लिए क्योंकि वो पहले ही उसे उनके माता पिता को खोने का जिम्मेदार मानती है, पर अंत में उसे जिया को बताना ही पड़ता है, जो जानने पर जाहिर तौर पर वो गुस्से में उन पर बरस पड़ती है। पर जिया अपने भाई को माता पिता की तरह खोने को तैयार नहीं होती, इसलिए मेसन की विनंती पर दोनों लूक के खोज में निकल पड़ते हैं। पर मेसन का जिया को खोज में शामिल करने का कोई और ही गुप्त कारण होता है और उसने जानबूझकर ये बात जिया से छिपा रखी है कि आखिर लूक किस खोज में वहां निकला था, जिसका हमें बहुत ही जल्द पता चलेगा। दोनों तुरंत अपने रेस्क्यू टीम को ज्वाइन करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए लूक के जीपीएस को ट्रैक करके उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। पर रास्ते में उन्हें एक दर्दनाक मंजर नजर आता है, कई जानवर को किसी ने अंदर से ही निगल लिया होता है और उनके खोखले शरीर पर अजीब कारण से कई पंचर के निशान भी मिलते हैं, और यहाँ से उनकी जिंदगी भी अब नरक में बदलने वाली है क्योंकि अब उनके तरफ एक भयानक डस्ट स्टॉर्म बढ़ रहा होता है, जिसका स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जमीन से निकल रहे गैस से मिलने पर वो एक फायर गन की तरह बरसने लगता है। ये कम नहीं था कि उनकी कार भी रेत में फंस जाती है, पर टीम वर्क की मदद से वो कार को कैद से रिहा करके कार से तुरंत भाग निकलते हैं। पर मुसीबत अब भी उनका पीछा कर रही होती है, इसलिए उन्हें बीच में ही कार छोड़कर एक अबैंडन्ड घर में पनाह लेना पड़ता है, जहां उन्हें एक लड़की बुरी तरह से घबराई और उसकी माँ की हालत भी उन्हीं जानवरों की तरह हुई होती है। इनके केस में इन्हें मकड़ियों ने अंदर से ही निगल लिया होता है। उनकी हालत और भी बदतर होने लगती है क्योंकि एक तरफ वो आंधी उनके घर को धीरे धीरे भस्म कर रही होती है, वहीं उनका एक साथी एक मकड़ी के डंक का शिकार बन जाता है। उसकी जान निकलने ही वाली होती है कि संयोग से मेसन ने कई एंटीवेनम कैरी किए थे, पर मल्टीपल शॉट्स के बावजूद मकड़ी का डंक सरप्राइजिंगली ज्यादा ही खतरनाक निकलता है, जो कि वेनम एक्सपर्ट जिया के अनुसार ये आश्चर्य की बात है। चैन को किसी तरह कंधे पर कैरी करके सभी फायरिंग स्टॉर्म से बचने के लिए स्टॉर्म हाउस में पनाह लेने पड़ते हैं, पर वो आग उगल रहा आंधी तो बस एक शुरुआत था क्योंकि अब उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर रूप लेने वाली है क्योंकि मकड़ियों ने शिकार को दबोचने के लिए जगह जगह वेब फाइबर बिछा रखे होते हैं।
हैं और गैरी के गलती से उन पर पैर रखते ही आप हजारों में मकड़ियां चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं, जिसके कारण मिली भी मकड़ी के डंक का शिकार बन जाती है। आप सभी को अपना अंतिम समय आंखों के सामने नजर आने लगता है, पर कमजोर फर्श के टूटते ही वो खुद को किसी खुफिया गुफा में पाते हैं। मकड़ियों से थोड़ी राहत मिलने पर जिया को समझ जाता है कि मेसन को पहले से ही मकड़ियों के बारे में पता था, इसीलिए उसने वेनम एक्सपर्ट उसे इस खोज में शामिल होने के लिए इतनी विनती की, इसीलिए उसने एंटी वेनम अपने साथ कैरी किया। ऑडियंस को अब फ्लैश में दिखाया जाता है कि लूक के गायब होने से पहले उसे उस कंकाल पर मकड़ियों के अटैक के निशान मिले थे, जिसके मदद से मेसन को मकड़ियों के बारे में पता चला, पर वो उन्हें इसके बारे में आगाह ना करने का कारण बताने से इनकार कर देता है, जिसका कारण हमें आगे समझेगा। उनके पास अब और कोई चारा नहीं होता, इसलिए अब उनका मिशन लूक को खोजने के बजाय अब सर्वाइवल में बदल जाता है और गुफा के रास्ते एग्जिट की तलाश में आगे बढ़ते हैं। पर आगे उन्हें सरप्राइजिंगली कुछ नकाशी और गुलामों का कब्र मिलता है, जिनकी हालत को देखकर ऐसा नजर आता है जैसे उनके सिर को पैरों से चैन करके किसी कारण से जिंदा चुनवा दिया गया। ये देख मेसन थोड़ा टेंस नजर आने लगता है और अब ऑडियंस को फिर से फ्लैश में दिखाया जाता है कि लूक के गायब होने से पहले उसे एक बड़ी खोज मिली थी कि वो कंकाल मरने से पहले 300 साल तक जिंदा रहा, खास करके बिना मम्मीफिकेशन के उसका स्किन उसने बेहतर कंडीशन में पाया। पर इससे पहले कि वो समझे कि आखिर इस गुफा का रहस्य क्या है, मकड़ियों के जाल से बचते हुए आगे बढ़ने पर अब हजारों में मकड़ियां उन्हें घेर लेते हैं। एनिमल एक्सपर्ट जिया को उनके बर्ताव से हैरानी होती है, क्योंकि मकड़ियां कभी भी बिना खतरे के अचानक हमला नहीं करते और खास करके झुंड में तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले कि उनका भी बाकियों की तरह हशर हो, सभी तुरंत भाग पड़ते हैं, पर उनके जीने और मरने के बीच एक खोलता लावा उनके बचने के एकमात्र रास्ते के बीच आ जाता है, पर उनका लकी गैरी अनजाने में ब्रिज का लीवर खोज निकालता है और अब सभी जैसे तलवार के नोक पर चलते हुए एक एक करके दूसरी तरफ निकलने लगते हैं। पर जिया और रेडली मरते मरते बचते हैं जब कमजोर ब्रिज उनके वजन को झेल नहीं पाता, पर घायल मिली पीछे ही छूट जाती है और अब हजारों में मकड़ियां उसे निगलने लगते हैं। पर मिली तड़पते मौत से बेहतर खोलते लावा में कूदकर अपनी जान देना ही बेहतर समझती है। उनके पास अब और कोई चारा नहीं सिवाय आगे बढ़ने का। पर उस सीन के अंत में हमें उन मकड़ियों का लीडर एक विशाल मकड़ी नजर आता है, जो उनका बच निकलने से जरा भी खुश नजर नहीं आता। अब रहस्यमय गुफा को और एक्सप्लोर करने पर वो इंसान के इतिहास में सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल खोज करते हैं, क्योंकि कभी जिसे सिर्फ मिथ्स माना जाता था, ये गुफा एक प्रसिद्ध राजा का मकबरा निकलता है। दरअसल 2000 पहले चाइना के एक प्रसिद्ध राजा ने मरने के डर से अपने राज्य का एग्जैक्ट रेप्लिका पूरा का पूरा अंडरग्राउंड शहर तैयार किया अपने विशाल मकबरे के बीच, और दुश्मनों को दूर रखने के लिए जगह जगह जाल बिछाए, और कभी यदि उन्हें भागना पड़े तो इस अंडरग्राउंड शहर से निकलने के लिए कई हिडन टनल्स भी तैयार किए। मिथ्स के अनुसार एम्परर को मरने से बहुत डर था, इसलिए उन्होंने अपने वफादार सैमन वूफू को सीक्रेट ऑफ इंटरनल लाइफ की खोज का काम सौंपा। इसलिए वूफू कई सालों से दुनिया भर यात्रा करने के बाद धरती के दक्षिण इलाके में पहुंचने पर उसे कुछ सैमन से पता चला कि उनके जंगल में एक रेंगता क्रीचर है जिसके खून से ऐसा पोषण तैयार किया जा सकता है जो किसी भी इंसान को अमर बना सकता है। जो क्रीचर सिर्फ साल में एक बार दिखाई देता है, पर वूफू के उन क्रीचर से कुछ ही मात्रा में बनने के कारण वो उन सारे क्रीचर्स को हजारों में अपने राज्य ले आया और उनके मेटिंग की शक्ति को एंशियंट जेनेटिक इंजीनियरिंग से बढ़ा दिया ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके और जितना ज्यादा हो उतना अमृत तैयार हो सके। एनिमल एक्सपर्ट जिया को अब समझ आता है कि इसीलिए ये मकड़ियां इतने आक्रामक हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो मेटिंग करते हैं उतना ही वो आक्रामक होते चले जाते हैं और इसी कारण से उनका विष भी और खतरनाक हो जाता है। इसी कारण से चैन इतने आसानी से ठीक नहीं हो रहा था। पर इन जानकारी के बाद मेसन का पोल खुल जाता है कि वो इसी सीक्रेट को सबसे छिपाए रखा था अपने कंपनी के मतलब के लिए, इसलिए वो अमृत को खोज कर मतलबी मेसन उस लिमिटेड अमृत को अपने पास रखने का तय करता है और उन्हें मरने के लिए लॉक करके भाग निकलता है। सभी अब एकदम घबराए जिया नोटिस करती कि दीवार पर चित्रित उस मकड़ी को अजीब कारण से एक पैर ऑफ पैर ज्यादा है, जिसके थ्रू लकीली वो एक हिडन रास्ता खोज निकालते हैं। उनका आगे का सफर रोमांचक और खतरे से कम नहीं होता। जुगनू से भरे तहखाने से लेकर एक नैरो रास्ते से आगे बढ़ते दौरान वो एक ट्रैप में कुचले जाने से जस्ट बच निकलते हैं। अब राजा के कक्ष में पहुंचने पर उन्हें लूक के दोस्त ईथन की लाश और लूक की जर्नल मिलती है, जिसमें उसने इस विशाल मकबरे का पूरा नक्शा कोऑर्डिनेट्स के साथ सब रिकॉर्ड किया था। यानी कि लूक अब भी शायद जिंदा हो सकता है और वो सभी सही रास्ते में जा रहे हैं। लूक के जर्नल की मदद से उन्हें अंडरग्राउंड बह रहे एक नहर के रास्ते से एग्जिट का रास्ता का भी पता चल जाता है। जर्नल की मदद से वो मकड़ियों के जाल से बचते हुए आगे बढ़ते हैं और अंत में विष के
असर से तड़प रहा उन्हें कमजोर लूक भी मिल जाता है, पर उसे होश में लाने की कोशिश में वो मकड़ियां उनके मौजूदगी को भनक लेते हैं। ऊपर से आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक पहेली को सुलझाना होगा। लकीली लोकल चैन पहेली को सुलझा कर सभी मकड़ियों से बचकर एन मौके पर आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात मेसन से होती है जो एग्जिट की तलाश नहीं कर सका। जिया मेसन से लूक के लिए अमृत के लिए विनती करती है, पर लालची को किसी की परवाह नहीं होती और उन सभी को अपने रास्ते से हटाने से पहले वो फाइनली जिया को रिवील करता है कि उसने इसलिए उनके माता पिता के शव को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कॉल नहीं किया, क्योंकि उसके माता पिता ने इस मकबरा का पता लगा लिया था क्योंकि उनकी प्लेन वहीं क्रैश हुई थी और वो नहीं चाहता था कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किसी को भी इस रहस्यमय जगह के बारे में पता चले। पर इससे पहले कि मेसन अपनी चाल चले, लूक मकबरा का एक ट्रैप ट्रिगर कर देता है जिसके कारण मेसन की वहीं मौत हो जाती है। फाइनली अमृत हाथ लगने पर उसके मदद से वो लूक को मरने से पहले बचा लेते हैं, जिसके तुरंत बाद वो इस विशाल मकबरे के आखिरी तहखाने में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें एक और डरावना सरप्राइज, उन सारे मकड़ियों की रानी एक विशाल और सभी मकड़ियों से अलग उनका एक भयानक और अजीब ही मकड़ी से सामना होता है। जिया को अब समझ आता है कि हालांकि वूफू अमृत बनाने में सफल रहा था और दोनों अमृत को पीकर अमर बन गए थे, पर इसे तैयार करने के चक्कर में मकड़ियों की रिपीटेड मेटिंग और डेडली म्यूटेशन के कारण उनकी संख्या नियंत्रण से बाहर चली गई और अंत में मकड़ियों ने पूरे राज्य को निगल लिया। उन्हें ये भी समझ आता है कि अब तक मकड़ियां उन्हें अपनी रानी का चारा बनाने के लिए यहां खदेड़ रहे थे, पर लकीली उन्हें बच निकलने का रास्ता भी नजर आ जाता है। पर रानी मकड़ी ने कब का अपनी सेना बुला ली होती है। सभी कैसे तो उनसे दूरी बनाते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। पर गहरी और चैन मकड़ियों का चारा बन जाते हैं और बाकी सभी चाहे भी तो कुछ कर नहीं पाते। इससे पहले कि वो भी मकड़ियों का भोजन बने, उनके एग्जिट डोर को तोड़ते ही पूरा मकबरा ढहने लगता है, जिसके कारण सभी तरफ आग लग जाती है और अब वो राजा का मकबरा उन मकड़ियों का ही कब्र बन जाता है और बाकी सभी सही सलामत बच निकल आते हैं। पर फिल्म का अंत एकदम अजीब, मूवी उस लड़की के मुंह से आखिरी बचे मकड़ी के आजाद होते ही खत्म हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।